तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स के बारे में। अब हम आगे बात कर रहे हैं। आज तो हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल चीज है। जैसे साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारी क्वांटिटीज डिफाइंड करी, फिर उन क्वांटिटीज के यूनिट्स डिफाइन किए, तो उन यूनिट्स का जो कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो कलेक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ ऑल क्वांटिटीज। ऑफ साइंस। और हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे तो हम बोल सकते हैं फिजिक्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। इनिशियली क्या था स्टूडेंट्स, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते थे। सो इनिशियली इन डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स वर यूज्ड। जैसे कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिनके अंदर एमकेआई सिस्टम का यूज होता था, कुछ कंट्रीज में सीजीएस सिस्टम का यूज होता था, और कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिनमें एफपीएस सिस्टम का यूज होता था। तो स्टूडेंट, ये किस बेस पर था? तो ये मेनली जो मैकेनिक्स की जो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उनके बेसिस पर ये डिवीजन किया गया था। तो वो उसमें क्या होता था, जैसे एक क्वांटिटी थी लेंथ, एक क्वांटिटी हमने ली लेंथ, दूसरा हमने लिया मास। आगे आप पढ़ेंगे कि मैकेनिक्स के अंदर, फिजिक्स की जो एक ब्रांच है मैकेनिक्स, उसमें जितनी भी क्वांटिटीज होती है वो इन तीन क्वांटिटीज से बनती है। तो मैकेनिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल सकते हैं अभी। तो स्टूडेंट, एमकेआई सिस्टम में क्या होता था, लेंथ को मीटर में मेजर करते थे, मास को किलोग्राम में मेजर करते थे, और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। फिर सीजीएस में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते थे और मास को ग्राम में मेजर करते थे, टाइम को वहां भी सेकंड में ही मेजर करते थे। एफपीएस में लेंथ को फुट में मेजर करते थे, मास को पाउंड में मेजर करते थे, और टाइम को सेकंड में ही मेजर करते थे। तो इस तरह से ये मेनली तीन अलग अलग सिस्टम्स जो मेजरली डिफरेंट कंट्रीज में यूज होते थे स्टूडेंट्स। एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1960 के आसपास साइंटिस्टों की कॉन्फ्रेंस हुई। 1960-70 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस
जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, GCWM, और इसमें इन्होंने क्या किया, एक SI सिस्टम बनाया जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है आज के टाइम पे। तो SI सिस्टम में क्या किया, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। इन SI सिस्टम ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज वर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। उसमें क्या था स्टूडेंट्स, तो एक कैटेगरी जो बनाई उसको इन्होंने बोला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मैं इसको कई बार शॉर्ट में FPQ लिखूंगा, और स्टूडेंट इनको बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट ये कितनी होती है, तो उन्होंने 7 क्वांटिटीज, 7 क्वांटिटीज एज अ फंडामेंटल डिसाइड करी। दूसरी एक कैटेगरी थी स्टूडेंट, वो थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ये कितनी थी, 2 क्वांटिटीज। और तीसरी कैटेगरी थी स्टूडेंट डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ये कितनी थी, तो आप बोल सकते हैं ऑल फिजिकल क्वांटिटीज माइनस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज माइनस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो फिजिक्स की जितनी भी क्वांटिटीज है उसमें से अगर 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री को हटा दिया जाए तो रेस्ट ऑल क्वांटिटीज जो होती है स्टूडेंट्स वो डेराइव्ड होती है। अब हम फर्स्ट बात कर लेते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, दीज आर सेल्फ डिफाइंड क्वांटिटीज। इनको डिफाइन करने के लिए दूसरी क्वांटिटीज की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। जैसे स्टूडेंट्स मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे स्पीड होता है तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो स्पीड को डिफाइन करने के लिए मैं डिस्टेंस और टाइम दो क्वांटिटी की हेल्प लेनी पड़ी, इन दो क्वांटिटी के रेशियो से ये क्वांटिटी बन रही है, डिफाइन हो रही है। ये जो सिंबल होता है ट्रिपल लाइन से, इसका मतलब होता है इज डिफाइंड एज। तो स्टूडेंट ये स्पीड जो है दो दो क्वांटिटी से डिफाइन हो रही है, बट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनमें ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए कोई हमें दूसरी क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दीज फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ये अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती है। अब कौन कौन सी होती है स्टूडेंट्स, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा नेम ऑफ क्वांटिटी, नेम ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिर हर क्वांटिटी का एक यूनिट होता है स्टूडेंट्स, तो सेकेंड हम लिखेंगे नेम ऑफ
यूनिट, और स्टूडेंट हर यूनिट का एक सिंबल होता है, तो थर्ड हम लिखेंगे सिंबल ऑफ यूनिट। तो सबसे पहले जो क्वांटिटीज की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूं लेंथ, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी पहले बाद में लिखूं। सेकंड मास, थर्ड में ले रहा हूं टाइम, फोर्थ में ले रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ में ले रहा हूं टेम्परेचर, सिक्स ले रहा हूं मैं स्टूडेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सिक्स्थ में ले रहा हूं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। अब स्टूडेंट के यूनिट्स की बात आती है, तो हर क्वांटिटी का एक यूनिट होता है। कुछ क्वांटिटी फिजिक्स में ऐसी भी आएगी जिनके यूनिट्स नहीं होते हैं, बट फंडामेंटल में सबके सेल्फ यूनिट है, बेस यूनिट्स बोलते हैं उसको। तो जो ये यूनिट्स है फंडामेंटल क्वांटिटीज के, जो यूनिट्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज है, तो इनके जो यूनिट्स है उनको हम बोलते हैं बेस यूनिट्स, बेस यूनिट्स, और यू कैन से फंडामेंटल यूनिट्स। तो स्टूडेंट ये सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो सेवन बेस यूनिट्स होंगे। अब स्टूडेंट जब भी नेम लिखेंगे ना यूनिट का, आपको एक बात याद रखनी है, जब भी नेम लिखेंगे तो हमेशा अल्फाबेट के स्मॉल लेटर यूज करने हैं। जैसे लेंथ का लिखना है तो METER भी लिख सकते हो, METRE भी लिख सकते हो, ओके। ये इंग्लिश, अमेरिकन और यूके में डिफरेंट है। सो मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, आप देख रहे हैं सारे स्मॉल लेटर ही लिख रहे हैं हम इसमें, टेम्परेचर इसका केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। नाउ स्टूडेंट्स अब सिंबल की बात आती है, तो जब हम लोग सिंबल लिखेंगे ना स्टूडेंट तब भी हम लोग स्मॉल लेटर यूज करेंगे, लेकिन अगर साइंटिस्ट का नाम आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एम्पियर एक साइंटिस्ट है स्टूडेंट, एम्पियर एक साइंटिस्ट है, केल्विन एक साइंटिस्ट है, तो स्टूडेंट जब साइंटिस्ट का नाम आ जाएगा तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, कैपिटल लेटर यूज होगा। तो जैसे एम्पियर के लिए कैपिटल ए यूज होगा, केल्विन के लिए कैपिटल के यूज होगा, बाकी सब में स्मॉल होंगे, जैसे मीटर के लिए स्मॉल एम, किलोग्राम के लिए स्मॉल के जी, कुछ लोग किलोग्राम में कैपिटल के और स्मॉल जी लिखते हैं, बट ये रॉन्ग है स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग है, आपको स्मॉल के स्मॉल जी लिखना है, सेकेंड का स्मॉल एस, कुछ लोग इसका एस ई सी लिखते हैं, ये रॉन्ग है, ये कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ही सिस्टम का रूल है, मोल का एम ओ एल, कैंडेला का सी डी। तो ये हमारे पास सेवन फंडामेंटल यूनिट्स हो गए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकेंड नंबर पे, देखो डेराइव्ड क्वांटिटीज तो बहुत सारी है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की। सो सेकेंड नंबर पे हम लोग ले रहे हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज,
सो स्टूडेंट ऐसा ही सिस्टम ने क्या किया है, दो क्वांटिटीज को सप्लीमेंट्री किया है। इनको सप्लीमेंट्री क्यों बोलते हैं, बेसिकली दीज आर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज, ज्योमेट्रिकल और यू कैन से मैथमेटिकल क्वांटिटीज। बट वेरी यूजफुल इन फिजिक्स। तो कौन कौन सी स्टूडेंट, तो फर्स्ट है प्लेन एंगल, और सिंपली जिसको आप एंगल बोलते हैं, जिसको हम ये लेटर यूज करते हैं जनरली थीटा और फाई, ये ग्रीक अल्फाबेट के लेटर्स हैं थीटा एंड फाई। ऐसे ही जो दूसरा होता है स्टूडेंट वो होता है सॉलिड एंगल, ये 2D एंगल है स्टूडेंट, टू डायमेंशनल। तो सॉलिड एंगल है दूसरा, ये एक थ्री डायमेंशनल एंगल है। तो इस ये बहुत कम यूज होता है फिजिक्स में, सबसे ज्यादा आपके ये यूज होगा, ये नेग्लिजिबल यूज होता है। तो इसको इस लेटर से लिखते हैं, ये या ये वाला लेटर। तो ये लेटर्स का जो नाम है स्टूडेंट्स ग्रीक अल्फाबेट के लेटर से, ये इनको बोलते हैं ओमेगा। तो इनसे हम सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट अगर देखो प्लेन एंगल के बारे में, मैंने डिटेल में अपना जो मैथमेटिकल टूल्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो वीडियो, उसमें पूरा डिटेल में प्लेन एंगल के बारे में एक्सप्लेन किया है, और यहाँ भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आपको फिर भी मोर डिटेल चाहिए तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो फर्स्ट में बात कर रहा हूँ प्लेन एंगल की। प्लेन एंगल तो स्टूडेंट ये एक प्लेन में फॉर्म होता है, एक सरफेस पे फॉर्म होता है। ये वैसे बताता क्या है, ये तो ये बताता है अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन और यू कैन से रिवोल्यूशन। जैसे स्टूडेंट सपोज ये लाइन है, ये एक रेफरेंस लाइन है, और यहां से हम टर्न करके यहां आ जाते हैं, तो हम बोलेंगे कि जो एंगल ट्रेवल हो रहा है दैट इज इक्वल टू वन रोटेशन और यू कैन से वन रिवोल्यूशन। लेकिन यही रेफरेंस लाइन है, और यहाँ से स्टूडेंट हम एक बार यहाँ आ गए, फिर एक राउंड लगा दिया हमने, दो बार हमने सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो एंगल हो जाएगा टू रोटेशन। जैसे स्टूडेंट हम यहाँ, ये रेफरेंस लाइन है, यहाँ से हम स्टार्ट हुए और यहाँ तक आ गए इधर तक इतना, तो इस केस में जो एंगल हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा हाफ रोटेशन। अब स्टूडेंट स्मॉल एंगल्स को कैसे लिखेंगे, तो एंगल को प्रॉपरली डिफाइन किया, एक तो डिग्री यूज होता है एंगल को मेजर करने के लिए जनरली मोस्टली, और एक रेडियन यूज होता है। तो डिग्री कोई ऐसा यूनिट नहीं है, रेडियन एक ऐसा यूनिट है। बाकी मैंने कहा डिटेल आप मैथमेटिकल टूल में ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो को देखें डिटेल के लिए। तो अभी इसमें आगे बात करते हैं कि इसको डिफाइन कैसे किया। तो जो प्लेन एंगल होता है स्टूडेंट्स, प्लेन एंगल ये डिफाइंड होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। जैसे मैं अगर इसको थीटा लिख दूं तो थीटा हो जाएगा आर्क लेंथ को एल ले लिया मैंने, और रेडियस को मैंने आर ले लिया, तो थीटा का फॉर्मूला हो गया मेरे पास एल बाई आर। अब डायग्राम में समझें इसको कैसे होता है। तो सपोज ये सर्कल है स्टूडेंट्स, एक सर्कल है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो आर है। अब मैंने मान लो इतना इस पे आर्क ले लिया, ये रेडियस इस आर है, तो मैंने ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का आर्क लेंथ ले लिया, इतना आर्क लेंथ लिया मैंने, जरा देखो ये आर्क लेंथ है एल।
तो ये आर्क लेंथ सेंटर पे जो एंगल बना रहा है ये है थीटा। तो ये थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स? सो थीटा होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब इसका यूनिट की बात करें तो स्टूडेंट्स जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होता है और रेडियस का भी क्या होगा? मीटर। रेडियस भी तो एक लेंथ ही है, तो मीटर मीटर तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको लग रहा है ये तो यूनिट लेस है। तो यस स्टूडेंट्स, फंडामेंटल यूनिट्स जो होती है, जो सेवन फंडामेंटल यूनिट्स अपन ने पढ़ी है, ये वाली मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, कैलविन, मोल, कैंडेला, इनके फॉर्म में तो इसका कोई यूनिट नहीं आ रहा, बट फिर भी हमने इसको आर्टिफिशियल यूनिट दिया है, वही इसका ऐसा यूनिट है। और वो यूनिट हमने जो दिया उसका नेम है रेडियन, और इसका जो सिंबल है वो है स्टूडेंट RAD। अब स्टूडेंट ये कोई यूनिट फंडामेंट नॉट अ फंडामेंटल यूनिट या नॉट अ डेराइव्ड यूनिट, नॉट डेराइव्ड यूनिट, ये कोई डेराइव्ड यूनिट नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट ऑब्टेंड, इट इज नॉट ऑब्टेंड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। जो सेवन फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े थे उनसे तो ये फॉर्म नहीं हो रहा ना, उनके हिसाब से तो ये यूनिटलेस आ रहा है। तो फिर ये है क्या? तो ये जो रेडियन है स्टूडेंट, सो वी कॉल रेडियन, ये जो रेडियन है इसको हम एक आर्टिफिशियल यूनिट बोलते हैं, क्योंकि सेवन फंडामेंटल के फॉर्म में तो ये आया नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल यूनिट बोलते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये एक सर्कल है, तो आपने देखा होगा कि आप जब एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं तो आपने पढ़ा है कि ये जो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन या रोटेशन होता है इसको आप 360 डिग्री बोलते हैं। लेकिन अब इसको रेडियन में कैलकुलेट करते हैं कि रेडियन में कितना होता है ये। तो स्टूडेंट ये सर्कल है और ये इसका रेडियस आर है जिसका सेंटर है, तो यही जो कंप्लीट एंगल है जो सर्कल बना रहा है यहाँ पे थीटा, इसको रेडियन में मेजर करना है। तो रेडियन में कौन सा फॉर्मूला लगता है? तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है रेडियन के लिए, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो आर्क लेंथ चाहिए, तो आर्क लेंथ तो पूरा कंप्लीट सर्कमफेरेंस के बराबर होगी। देखो यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक आ जाएंगे, ये पूरा आर्क लेंथ हो जाएगा, दिस इज आर्क लेंथ। तो ये आर्क लेंथ कितना हो गया? ये आर्क लेंथ तो सर्कमफेरेंस के इक्वल हो गया ना, 2 पाई आर, और रेडियस इसका आर है। तो रेडियन में ये एंगल कितना आएगा? हमने फॉर्मूला लगाया एल बाई आर, तो एल है 2 पाई आर, रेडियस है आर, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 2 पाई रेडियन, मतलब 2 × π का वैल्यू होता है 3.14 रेडियन, विच इज 6.28 रेडियन। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो एंगल आया पूरा ये हमारे पास आ रहा 6.28 रेडियन। तो स्टूडेंट डिग्री देखो कितना है, 360, और रेडियन में कितना आ रहा है? 2 पाई। जब भी एंगल को पाई वाई के फॉर्म में लिखते हैं तो वो रेडियन में होता है। तो स्टूडेंट यहां से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जो वन रोटेशन होता है, वन रोटेशन, उसको हम 360 डिग्री लिखते थे, और रेडियन में वो हमारे पास आ रहा है 2 पाई रेडियन। तो अगर स्टूडेंट दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा हाफ रोटेशन, और हाफ रोटेशन में ये हो जाएगा 180 डिग्री, और ये हो जाएगा पाई रेडियन। तो स्टूडेंट पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो फिर 1 रेडियन कितना होगा? 1 रेडियन होगा 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो 180 डिग्री अपॉन 3.14 करोगे आप, तो 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली जो है वो अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू आएगा 57 डिग्री के आसपास, मतलब 1 रेडियन इज वेरी मच ग्रेटर देन 1 डिग्री। रेडियन एक बड़ा यूनिट है, जैसे मीटर और सेंटीमीटर में मीटर एक बड़ा यूनिट है। अब स्टूडेंट्स हमें ये पता चल गया, ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये आपको लर्न रखना है कि 180 डिग्री जो होता है, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। अब स्टूडेंट कई बार आपको फिजिक्स में क्या होता है कि
इन ऑल फिजिकल फॉर्मूलाज, ये इंपॉर्टेंट नोट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन ऑल फिजिक्स फॉर्मूलाज, इन ऑल फिजिक्स इक्वेशंस बोल लो, इन ऑल फिजिक्स इक्वेशंस वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एंगल, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एंगल इन रेडियन, हमेशा रेडियन में ही पुट करना होता है बिकॉज रेडियन इसका ऐसा यूनिट है। तो स्टूडेंट्स फिर आपको क्या होगा कि आपको जरूरत पड़ेगी कि अगर डिग्री में हो तो रेडियन में कन्वर्ट करने की नीड आएगी आपको, मतलब आपको अगर एंगल डिग्री में दे दिया तो कई बार आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, और कई बार रेडियन में दे दिया तो आपको डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत भी पड़ सकती है, तो आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो फॉर्मूले को देखो, ये फॉर्मूला है थीटा डिग्री डिवाइड बाई 180 डिग्री इज इक्वल टू थीटा रेडियन डिवाइडेड बाई पाई। बस ये इक्वेशन आपको लर्न रखना है तो आप इजीली कन्वर्ट कर पाओगे, ये इक्वेशन आपको लर्न रहना चाहिए तो आप इजीली डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री बना सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको दे दिया 60 डिग्री और बोला इसमें हाउ मेनी रेडियन, ये क्वेश्चन है। तो बस डिग्री में दिया है ना, तो डिग्री के प्लेस पे पुट कर दो, इक्वेशन सॉल्व कर लो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो डिग्री में क्या लिखेंगे, 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 180 डिग्री इक्वल टू थीटा का वैल्यू रेडियन में तो हमें फाइंड करना है ना, अपॉन पाई। अब 60 से 180 को आप कैंसिल करो तो ये 3 आ जाएगा, पाई को इधर ट्रांसफर कर दो तो थीटा रेडियन का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स पाई डिवाइडेड बाई 3, सो पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा। ये 60 डिग्री में कितना रेडियन हो गया, पाई बाई 3। कई बार आपको रेडियन को डिग्री भी बनाना पड़ सकता है। जैसे सपोज करो आपको एंगल आया, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको एंगल दिया 2 पाई बाई 3 रेडियन और आपको पता करना है दिस इज हाउ मच डिग्री। तो अब की बार रेडियन में पुट कर दो, थीटा डिग्री में तो हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन 180 डिग्री इक्वल्स टू थीटा रेडियन में कितना दिया हुआ है 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई पाई। अब स्टूडेंट पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, सो थीटा डिग्री कितना आएगा 2 बाई 3 मल्टीप्लाइड विथ 180 डिग्री। सो इसको इससे कैंसिल करोगे इट विल कम आउट 60 डिग्री, इंटू 2 करोगे तो 120 डिग्री। तो आपके पास 2 पाई बाई 3 रेडियन के अंदर कितना डिग्री हो गया 120 डिग्री। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से आप डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट जो थर्ड कैटेगरी है उसकी हम बात करते हैं, दैट इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये क्या होती है, These quantities are defined with the help of fundamental physical quantities. जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उन्हीं की हेल्प से ये डिफाइंड होती है, या हम कह सकते हैं उन पे डिपेंड करती है। जैसे स्टूडेंट इसका एग्जांपल लेते हैं, तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम 2-3 एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे। तो इसका जो एग्जांपल है, जैसे मैंने लिया स्पीड, तो स्टूडेंट स्पीड को मैंने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लिखा मैंने। अब स्टूडेंट डिस्टेंस एक लेंथ ही तो होता है, तो मैं लिख सकता हूँ स्पीड इक्वल्स टू, डिस्टेंस को मैंने लिखा लेंथ
अपॉन टाइम। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो स्टूडेंट, ये जो लेंथ है और ये जो टाइम है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, दीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बट ये जो स्पीड है वो इनके रेशियो से डिफाइन हो रही है, मतलब ये पूरा कंप्लीट रेशियो, ये स्पीड है। तो ये क्या है, ये एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट, फिजिक्स की सारी क्वांटिटीज 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री को छोड़ दिया जाए, ऑल रिमेनिंग क्वांटिटीज विल बी डेराइव्ड। जैसे स्टूडेंट्स अपन बात करें एरिया, तो सरफेस एरिया होता है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ स्क्वायर का, स्क्वायर के लिए बात करूँ, जैसे ये स्क्वायर है, मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया यहाँ पे, तो ये स्क्वायर का लेंथ भी एल है, विड्थ भी एल है, तो मैं लिखूंगा इसको एल स्क्वायर, मतलब लेंथ स्क्वायर। अब स्टूडेंट, ये जो लेंथ है ये तो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, बट ये एरिया तो लेंथ इंटू लेंथ से आ रहा है ना, तो ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो स्टूडेंट, इस तरह से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सब डेराइव्ड होती है। तो आई थिंक आज का ये वीडियो लेक्चर जो है, ये जो वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी पसंद अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आप यही आपका मेरे लिए सपोर्ट है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।